Assalamualaikum. So welcome back to Episode Vlogs. जूती नहीं मारनी, मुझे पहले बता रहा, जूती नहीं मारनी. मानता हूँ इंसानों, बल्कि इंसानों से ही होती हैं. सो आई एम गेटिंग बैक आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अपोलोजाइज, रीजन क्या है, एक्सक्यूजेस से हमारी दुनिया भरी पड़ी है. आपको यही बताऊँगा कि मेरे मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है ब्रेसिस का, मेरे दांतों के अलाइनमेंट का इशू है, तो मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के पास, मुझे वहाँ जाना पड़ता है तकरीबन. लास्ट टाइम में 2-3 फेरे में मार चुका इस्लामाबाद के, और अब फिर से मुझे आगे दोबारा से जाना है. तो बस ये शेड्यूल है, फिर घर के भी काम होते हैं, गाड़ी के कुछ इश्यूज थे मुझे वो रिजॉल्व करने थे, सेविंग परचेजिंग उसकी मॉडिफिकेशन, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे मैं ही मैनेज करता हूँ. तो मैं बिल्कुल बिजी था उसमें. सो नाउ आई एम बैक. मुझे नहीं पता मेरी लास्ट वीडियो कब हुई थी, आई थिंक मैंने काफ़ी बड़ा गैप दे दिया. तो अब मैं उसकी सजा भुगत रहा हूँ. इस वक्त मैं शदीद गर्मी में बैठा हूँ, पसीने से मेरी हालत ख़राब हो रही है, बट ये मेरी सजा है. मैं पंखा भी नहीं लगा सकता. मेरे फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हुए हैं कि मैं लेट आया हूँ वॉक करने के लिए. एंड जैसा कि मैंने पहले बताया कि व्लॉगिंग के लिए मुझे थोड़ा सा, एक तो गेट्स की कमी आ रही है, नंबर टू मेरे पास यहाँ पे आगे मुझे जाने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है, और उस वजह से ही मेरी व्लॉगिंग पेंडिंग हुई है. सो इस बार आया हूँ तो एक नई अपडेट के साथ आया हूँ. वो अपडेट क्या है, मेरे कुछ कलीग्स का पता है, जिनको नहीं पता वो इस वीडियो में गेस कर देंगे. सो मैंने एक गेमिंग पीसी परचेस किया है, और व्लॉगिंग ना सही, एटलीस्ट मेरे गेमिंग का कंटेंट तो कैरी ऑन रहे. फ्री हैं पहले तो एटलीस्ट चिप पट के रखे काम इसमें. ऑब्वियसली जब मेरा पीसी आ गया तो मेरा चैनल भी आना चाहिए. आज पूरा दिन मैंने यही काम किया है. 4 दिन पहले से इसके नाम की प्लानिंग हो रही थी, 4 दोस्तों ने नाम भेजे, आखिर की मैंने अपनी ही. पहले भी वो कहते थे खुद सोचो मुझे नाम चुना है, और आखिर मैंने उसका नाम बनाया है. सो द नेम ऑफ माई चैनल इज़ रैकेटियर, और ये गेमिंग से रिलेटेड ही होगा. गेमिंग मेरी आपको पता है, फिलहाल तो पबजी भी करेंगे क्योंकि उसमें फन लगता है, और वो फन दिखाने वाला होता है. एटलीस्ट ये वो चैनल है जो एटलीस्ट मेरा कैरी ऑन रहेगा और पिक होता रहेगा. ब्लॉगिंग ये है कि डिले आ जाता है, इसमें डिले नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला. मैं लाजमी 1 वीक में 2 से 3 वीडियो कर दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला. कई बात मैंने ब्लॉगिंग वाले भी की थी, और तो लेट मी टेक यू टू माय गेमिंग सेटअप. हाय बिब्स. तो at the countdown of 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Swag level infinity होगा. मैं आपको सारी स्पेसिफिकेशन से भी आगाह कर दूँ. ये बेसिकली रिव्यू भी है मेरे पीसी का. तो हाँ, ये देख लो. अब अगर किसी ने कहा ना इसकी कुर्सी देखो, कुर्सी गेमिंग वाली, ऊपर तौलिया लिखा हुआ है, इसने तौलिया तशरीफ़ इसकी गर्म रही. और ये माउस देखो, माउस के नीचे ना कागज़ है, कागज़. मैं सच्ची बता रहा हूँ, इसने एक कमेंट किया ना, सुबह सुबह गेट के बाहर आके ऐसी हरकत करके जाऊँगा ना, जो भी गेट खोलेगा ना भूल ही पाएगा मेरे को ना. मैं मत्था लगा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक्सटीरियर का लुक दूँ. सो दीज आर माई स्पीकर्स, वूफर मेरे. अब मैं ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं जानता, बहरहाल ये सारी SP 111 है. देन वो गोना टॉक अबाउट द LCD. ये IPS डिस्प्ले वाली LCD है. 6500 इसकी प्राइस है. सो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी डील थी. 22 इंच माउस कीबोर्ड, एंड ये रही वो बुला. इनसाइड ऑफ इट देयर इज़ एन i5 2nd Gen 3.10 क्लॉक स्पीड, 8 GB ऑफ रैम, 1 TB हार्ड, और इसमें सबसे कीमती बला कौन सी है, आउच, दैट वन. अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं दिखा भी देता हूँ, दैट वन. सो इस बला के बारे में बताता चलूँ तो ये है. Je danse avec le vent.
के बंदे को प्यास लग जाती है। ये है मेरा 5 साल पहले का प्लान। मैंने 5 साल पहले प्लान किया था मैं पीसी लूँगा, बट बजट भी नहीं था, बाबा राजी भी उस तरह से नहीं थे। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस साल परचेज़ किया और इसको पाने की मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी है। ये मेरा GPU, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, सो इट्स एन NVIDIA GeForce 750 Ti मेड बाय ASUS। ये 2 GB है, DDR5 DirectX 11 सपोर्टेड है और मेन थिंग 128 bit गेमिंग के लिए बेस्ट। सो अभी आधा घंटा लगा मुझे इसे निकालने में खाली, तो मैंने पीसी में जब से लगाया उसके बाद से मैंने इसको निकाला ही नहीं था दोबारा, सब इसे फिर से लगाना पड़ेगा। 1 hour later हाफ एन आवर मोर स्पेंट टू एडजस्ट माई GPU अगेन इनसाइड माई CPU माई पीसी। तो हियर इज माई होल सेटअप। सो ये रहा मेरा पीसी और मैं निचड़े जा रहा हूँ गर्मी से, इससे ज़्यादा भी सजा कोई दे सकता है। अब कीबोर्ड वॉरियर्स का क्या कहना है, ओए ओए इतने पा तो टीबोर्ड भी दिया, टीबोर्ड डेमिंग वाला नहीं है डेमिंग वाला, इतने पा तो माउथ भी दिया माउथ, और माउथ तो टीबोर्ड की बात करते हैं, इतने पा तो एडपुट भी नहीं है एडपुट, एडे डेम थे लेदा डेम थे लेदा बिच प्लीज। अब इतने पा तो हेडपुट भी दिया, अब दे ताता लेता। ये है मेरे हेडफोन्स, कीबोर्ड और हेडफोन्स का मैंने 4 दिन पहले ऑर्डर कराया था, कल जाके मुझे रिसीव हुए हैं। सो दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। रिक मेरी पूरी तैयार है, उसे भी टेंशन ना दीजिए। आउच, हियर इज माई माइक, ये मेरा माइक है। हो गया होगा खर्चा 5 साल बाद किया है तो फिर अंत ही कर दी। ये रहा मेरा होल है सेटअप, आई अगेन रिपीट, अब पबजी की वीडियो इसी में क्या करूँगा, लाइव स्ट्रीमिंग का मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, सो मैं अब इसके बारे में कोई रिमार्क्स पास नहीं करूँगा, बट मेरी फनी रिकॉर्डिंग वीडियोस इसी के थ्रू मैं अपलोड किया करूँगा। एक कॉमन क्वेश्चन कि पबजी का सीन आपके पीछे भी कैसा है, 1080p पे पबजी एक्टिव है मेरी, दैट इज़ माई गेम, नो लैग इफेक्ट। हाँ इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो हम सब पाकिस्तानियों का इशू है, PTCL। सो माउस एक रह गया, माउस के नीचे कागज़, ये दो वो चीज़ें हैं कि रिप्लेस करने वाली हैं, पर राइट नाउ मेरे बटवे में फूटी कौड़ी मेरी बची। इस पूरे सेटअप पे जो मेरी अमाउंट स्पेंड हुई है वो है 32,500 समथिंग। मैंने पूरा पीसी 20,000 में बनाने का प्लान किया था कि मैं 20,000 से 1 रुपया भी बनी लेके जाऊँ, पर मुझे 22,500 का खाली ये चाचा पड़ा है विदाउट GPU। कार्ड लेने के लिए मैं रमज़ान में वाह कैंट गया था, आई थिंक वाह ही कह रहे टेक्सला से भी आ गया रमज़ान में, अपने एक और दोस्त को खजल भी किया, अल्लाह पाक से खुशियाँ दे, वो मेरे साथ चल पड़ा बगैर बहस किए। वहाँ से मैं 8,500 का GPU उठा के लाया, जो मैंने आपको भी वो ब्लास ही दिखाई है, और स्पीकर्स मेरे अपने हैं, कीबोर्ड और हेडफोन्स पे मेरी जो टोटल कॉस्ट लगी है वो है 2,650 रुपीज़। LCD की जहाँ तक बात है तो ये मुझे 6,500 की पड़ी है, इसको आप इसी में कैलकुलेट कर, ये मुझे ये दोनों मुझे 22,500 में फुल मिले हैं। जैसे इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता क्योंकि इस वक्त मेरे जो ज़ाती चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ यही है, ना मैंने फ़ोन इतना महंगा लिया कभी, ना मैंने और कोई चीज़ ली है, सारे पैसे एक बार रोड के पर मार गए। बाकी रही बात इस कमरे की, तो ये मुझे अर्जी मिला हुआ है, वो मेरा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये मेरी खाला का कमरा है, वो अपने ससुराल गई हुई है, सो कब्ज़ा माफिया आ गया था इस कमरे में। फिर वन अबाउट माई चैनल, ये रहा मेरा चैनल, अब आपको इससे भी लिंक हो जाना चाहिए, गो चेक इट आउट। इसमें वीडियो भी कोई नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ये मैं क्रॉप करके उस पर भी अपलोड कर लूँ, मेरी गेमिंग रिव्यू से रिलेटेड।
सो बस ये कॉन्टेंट बन जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड विद दैट चैनल। और हाँ, चैनल अभी आर्ट वगैरह उस पर कोई नहीं लगे, प्रोफाइल मेरी नहीं है, वाटर मार्क नहीं है, तो वो एक दो दिन तक बन जाएंगे, अल्लाह खैर करे, मुझे बनवाने पड़ेंगे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अगले कंटेंट में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। टिल देन।